क्या हाल है दोस्तों। आई एम श्योर आप सबकी ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चल रही होगी। कल शनिवार है और बहुत अरसे बाद एक ऐसा दिन आ रहा है मार्केट के अंदर जब कोई एक्सपायरी नहीं है। सैटरडे को नॉर्मली तो मार्केट बंद रहता है, ट्रेडर्स हॉलीडे प्लान करते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, रिलैक्स करते हैं, कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोग खाते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं। बट कल एक ऐसा दिन आया है स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में जब एक सेटलमेंट पीरियड घोषित कर दिया गया है एनएससी द्वारा। सब एक्सप्लेन मैं करूंगा कल किस तरह ट्रेड लेनी है, कल कौन कौन एक्टिव रहेगा, कल पार्टिसिपेट कैसे करना है और कुछ क्लॉजेस हैं जिसको हमें अबाइड करना है। सबसे पहले तो कल मार्केट ओपन क्यों है उसको समझते हैं और टाइमिंग समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमिंग है कल मार्केट के अंदर दो सेशन होने वाले हैं, दोनों के अंदर हम लाइव बैठेंगे। सबसे पहला 9:15 से 10 बजे तक और दूसरा 11:30 से 12:30 मैं लाइव बैठूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कल देखते हैं किस प्रकार से मार्केट इंट्राडे के अंदर प्ले करने वाली है। ठीक है, तो जुड़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बहुत दिनों बाद कल एक ऐसा दिन है मार्केट के अंदर जब January 20 सैटरडे को मार्केट के अंदर पहला दिन है जब कोई एक्सपायरी नहीं है। तो कल क्या वॉलेटिलिटी रहेगी, बहुत मजा आने वाला है। दो ट्रेडिंग सेशन है, उसको मैं एक बार आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला जो ट्रेडिंग सेशन है वो आपका शुरू होगा प्राइमरी साइट पे 9:15 से लेकर 10 बजे तक। दूसरा ट्रेडिंग सेशन डीआर की साइट पे, अब ये डीआर का क्या चक्कर है वो एक्सप्लेन करता हूं, वो शुरू होगा 11:30 से लेकर 12:30। इन दोनों ही सेशन में मैं लाइव बैठूंगा इसी चैनल पे। आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है और नोटिफिकेशन बेल आपको दबा के रखनी है। कल बहुत मजा आएगा, पूरे दिन लाइव बैठेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा किस तरह हमें ट्रेड उठानी है। वही जैसे आपका सुबह 9:00 से लेकर 9:08 पे प्री ओपन मार्केट होता है, बाउंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैं आपको चार्ट भी एक्सप्लेन करूंगा, ये मत सोचना सिर्फ मैं ये न्यूज बता के आपको चला गया। चार्ट एक्सप्लेन करेंगे, सारे PSY लेवल मैंने यहां पे बना दिए, सब डिटेल में बताने वाला हूं कल किस तरह हम प्ले आउट कर सकते हैं, लेवल्स किस तरह काम आएंगे कल। और कल कोई एक्सपायरी तो है नहीं, तो आप न्यूट्रल होकर बैंक निफ्टी निफ्टी में आराम से ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों लास्ट में ये समझ लो, जितने भी FNO ऑप्शंस, ध्यान से समझना, जितने भी FNO ऑप्शंस या इंटरडे इक्विटी के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो और प्रॉफिट आपको आज के दिन मतलब 19 जनवरी को हो रहा है, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे फंड्स के अंदर अगले दिन। मतलब कहने की बात इसी है, आज आपने कोई मान लो इंट्राडे के अंदर पैसा कमाया तो January 20 को वो जो पैसा आपका कमाया है, प्रॉफिट आपने कमाया, इंट्राडे प्रॉफिट आपका कमाया है, वो कल आपके डीमैट अकाउंट में अभी शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा, क्योंकि कल जो है ना वो बेसिकली सेटलमेंट पीरियड के नाम से, ये जो सेटलमेंट हॉलीडे है, ये जो लिख रहा है आपको सेटलमेंट हॉलीडे के नाम से इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस डे को कंसिडर किया जा रहा है। इसमें करेंसी कॉमोडिटी MCX क्लोज्ड रहेंगे, ये ओपन नहीं होने वाले। फिर MIS जो इंट्राडे ऑर्डर होता है ये ब्लॉक्ड रहेंगे दोनों सेशन में। इसका मतलब ये है कोई आज मार्केट के अंदर यदि BTST लेके गया है, जितना मुझे लगता है यार 19th फ्राइडे को जो BTST लेके गया है वो 20th को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाएगा। सिमिलरली कल आप सैटरडे को जो मार्केट में आप लेके जाओगे वो आप मंडे को नहीं, वो आप ट्यूजडे को सेटल कर पाओगे। तो कोई भी कल BTST की पोजीशन तो बिल्कुल ना उठाए। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन मेरी यह है, कल जो भी आप ट्रेड उठाओगे मुझे नहीं लगता कल आप स्क्वायर ऑफ कर पाओगे। उसका सारा सेटलमेंट आपका ट्यूजडे को होगा, मंडे को नहीं होगा। कल कोई BTST ना उठाए, कल इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भी आपके पास ट्यूजडे को सेटलमेंट होगा तो बच के चलना बाबा। ये मेरा सारा का सारा मोटिव है। चार्ट को देख के आज के लिए मैं BTST एक अच्छी बुलिश पोजीशन लेके गया हूं। मेरा VA पर व्यू बोलता है, निफ्टी भी नीचे के लेवल पे होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर भी 2-3 दिन से यार अच्छा गैप अप हो रहा है, मार्केट रिकवर कर रहा है। मैं 45,500 को एक अच्छा PSY लेवल मान के एक BTST लेके तो गया हूं ऊपर का। अब कल मार्केट के अंदर मैं प्रॉफिट बुक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो सारे डिटेल्स यहां पे हमारे पास दे रखी है। ठीक है, BTST मतलब जो आप कल अगर यदि कोई शाम को बोलता है सर मैं 12:30 बजे एक कॉल लेके गया था, तो वो आप मंडे को नहीं, वो आप ट्यूजडे को आप बुक कर पाओगे, इस बात की ध्यान रखना। ठीक है, सिमिलरली फ्राइडे 19 जनवरी को जो भी आप AMO ऑर्डर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा गए हो वो आपका कल एग्जीक्यूट हो जाएगा। SIP ऑर्डर्स के बारे में कुछ डिटेल्स है, विड्रॉल रिक्वेस्ट, अगर कल आप विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाते हो तो वो 22 जनवरी को। इसका कहने का मतलब ये है यार कल सेटलमेंट पीरियड है, कल ज्यादा हलचल मार्केट के अंदर ट्रेडर्स की नहीं होनी चाहिए क्योंकि मार्केट की ओवरऑल लिक्विडिटी भी काफी कम रहने वाली है अगर देखा जाएगा तो। ठीक है, लॉजिक समझ गए। ये फर्स्ट टाइम है स्टॉक एक्सचेंज इन, अब पहली बार ये, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में, इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में पहली बार है जब प्राइमरी साइड पे जो ट्रेडिंग होने वाली है वो आपकी ट्रेडिंग होने वाली है 9:15 से लेकर 10 बजे तक। और एक डिजास्टर रिकवरी साइड होती है, DR साइड बोलते हैं इसको, जो ऊपर हमने पढ़ा डिजास्टर रिकवरी साइड,
इसके ऊपर ट्रेडिंग होगी 11:30 बजे से लेकर 12:30 तक। अब ये आपको कैसे इंपैक्ट करेगा, एक नया आपको पोर्टल देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आप प्राइमरी साइट से अगर डीआर साइट पर स्विच करते हो तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन मिल सकती है। आप अगर न्यू भी प्लेयर हो, नहीं समझ आ रहा, घबराओ मत, बिल्कुल ट्रेड मत लेना कल, बस मेरी तो ये रिकमेंडेशन है आपसे। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेड लेना, ये समझ के चलना आपका जो भी ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ होने वाला है आफ्टर मंडे, मंडे के बाद स्क्वायर ऑफ होगा। कल बीटीएसटी मत उठाना, अगर थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी तो प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट करी गई है स्पेशल स्टार्टडे ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स रहेगी, तो कल इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली होनी ही नहीं है। आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मार्केट में पैसा लगा के लेके जा सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग वॉल्यूम, लैक ऑफ लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम होने के कारण स्टॉप कर दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, कल इंट्राडे मत उठाना पोजीशन, ना ही आप बीटीएसटी उठाना, अदरवाइज उठाओगे तो वो ट्यूजडे को आप स्क्वायर ऑफ कर पाओगे। इन शॉर्ट कल उठा के कल नहीं बेच सकते। इन शॉर्ट बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी, सर ये बताओ कल मैंने सुबह 9:15 बजे एक पोजीशन उठाई, क्या मैं 10 बजे स्क्वायर ऑफ कर सकता हूं? नहीं कर सकते, आपको वो पोजीशन को ट्यूजडे तक मंडे तक लेके जाना पड़ेगा। लॉजिक समझ गए? ये पूरा जीरोधा का बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको प्लीज एक बार चेकआउट करना, मैं इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। ये सारी न्यूज है, सारी अपडेट है, एक बार इसको प्लीज चेकआउट कर लेना। अगेन January 20 क्या है, कल क्या है, सेटलमेंट हॉलीडे है। कोई भी एफएनओ सेगमेंट के अंदर इंट्राडे प्रॉफिट जो आपने 19 को कमाया वो अवेलेबल नहीं रहेगा। बीटीएसटी जो आप कल लेके जाओगे वो आपका मंडे को सेटल होगा और क्रेडिट्स उसके अवेलेबल होंगे January 23rd। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके कारण हमें कल ट्रेडिंग से बचना चाहिए। अब बात करते हैं लेवल्स की, भैया लेवल्स किस तरह कल प्ले आउट करने वाले हैं। दोस्तों 45,600 पे एक अच्छा बाउंस, बेसिकली यार 45,600 से लेकर 45,500 ये दोनों एक अच्छे सपोर्ट लेवल बन रखे हैं बैंक निफ्टी के लिए। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं। बैंक निफ्टी के अंदर 15-25 मिनट का टाइम फ्रेम जब आप उठाओगे, यू विल एंड अप रियलाइजिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। कौन सा? 45,500, और इसको पीएसवाई लेवल भी बोलते हैं। अब इस पीएसवाई लेवल पे जब जब मार्केट आया है भैया, मैंने तो बाउंस देखा है। अगर खुदा ना खास्ता इसको ब्रेक करता तो नेक्स्ट टारगेट 45,000-44,800 का होने वाला है। तो मैं वेट कर रहा हूं, या तो इसको ब्रेक करे नीचे आए मार्केट, और अगर सस्टेन करेगा तो ऊपर के लेवल पे 46,000-46,200-46,400 ये हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस, या आप रेजिस्टेंस लेवल की तरह ट्रीट कर सकते हो इनको। इसका कहने का मतलब इतना सा, अगर कोई यहां पे सी की पोजीशन उठा रहा है तो इसका टारगेट 1 ये है, टारगेट 2 ये है, टारगेट 3 है, ठीक है जी। दोबारा बता रहा हूं, 46,000, 46,200 और 46,400 ऊपर के लेवल पे अभी इतना जंप मार्केट के अंदर कल तो एक्सपेक्टेड एटलीस्ट नहीं है। देखते हैं किस तरह मार्केट प्ले आउट करता है, मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम एक ऐसा दिन देख रहे हैं जिसके अंदर एक्सपायरी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है कल, ठीक है। अगेन एक बहुत बड़ा सपोर्ट पहले एक्ट कर रहा था 47,000, अब 47,000 आपको पता है सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट अब उसके नीचे ट्रेड करने लग गया है। ऊपर के लेवल रेजिस्टेंस है भैया, नीचे के लेवल सपोर्ट है, तो उसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूं। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, ये सारी की सारी आपके पास चार्ट जो है ना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। चलो अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। दोस्तों निफ्टी 50 पूरे दिन रेंज में बंद रहा, 21,664 और नीचे के लेवल पे 21,590। तो 21,590 ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और कुछ पिछले कुछ समय 25 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो इस जोन के अंदर, मैंने ये लाइव मार्केट में ही बताया था, इस जोन के अंदर मार्केट ना बहुत ही ज्यादा फंसा हुआ रहता है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूं, ये जो जोन है ना इसके अंदर मार्केट फंसा हुआ है। जब जब मार्केट यहां से कूदा है ऊपर की तरफ, उसने नीचे आने की कोशिश करी है, हो सकता है यहां से एक और फॉल दिखाए। 21,285 एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नीचे के लेवल पे 21,500 और 21,285। एक बार दोबारा मार्केट इन लेवल्स को, ये है टारगेट 1 नीचे की साइड अगर आप देख रहे हो तो ये टारगेट 1 है और ये टारगेट 2 है। नीचे के लेवल्स पे हो सकता है मार्केट इसको टेस्ट करने है, अभी बिल्कुल साइडवेज जोन पे है। ये पूरे दिन मार्केट आज यहां पे क्लोज रहा, अगर ऊपर फटता भी है तो ऊपर के लेवल पे सीधा हमें जो रेजिस्टेंस दिखने वाला है वो 22,000 का दिखने वाला है। 22,000 से दोबारा एक पी की ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, और नीचे के लेवल पे 21,285 से सी की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बीच में आसपास मार्केट घूमता रहेगा, डिपेंड करेगा ओआई डेटा किस तरह बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे ट्रेड लेने वाले हैं। आपको मार्केट एनालिसिस कैसी लगी एक बार मेरे को कमेंट करके बताना। जितने भी लोग इंटरेस्टेड है मेरा 5-star ट्रेडिंग सेटअप जानने में, तो मैं संडे को, क्योंकि यार नॉर्मली हम सैटरडे को लेते हैं वेबिनार, इस बार सैटरडे को लाइव मार्केट है, इसलिए मैं संडे को हमारा इंट्राडे लखपति वेबिनार होने वाला है, प्लीज उसको जाके एक बार चेकआउट करो यार। इंट्राडे लखपति वेबिनार के अंदर आपको मेरा प्रीमियम बाय सेल इंडिकेटर दिया जाता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप मैं आपका बनाऊंगा, ट्रेडिंग ईबुक मैं आपको दूंगा, और मेरे 7 इंट्राडे टूल्स मैं देने वाला हूं, बोनसेस देने वाला हूं वर्थ 50,000। एक बार जाके देखना, सिर्फ 3 घंटे का वेबिनार है, ज्वाइन करके देखो, मजा आएगा, मेरा प्रॉमिस है। इसकी मात्र कॉस्ट हमने 199 लग रखी है, ताकि सिर्फ जो वो इंटरेस्टेड, सिर्फ जो लोग इंटरेस्टेड है सिर्फ वही आ पाए यार। ये सारा का सारा मोटिव है, आप सबका दबा के प्रॉफिट होगा। एक बार वेबिनार जरूर अटेंड करना अगर आज तक अटेंड आपने नहीं किया तो। संडे को दोपहर को 12 बजे, 21 जनवरी दोपहर को 12 बजे वेबिनार होने वाला है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।